हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वह व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा किसके साथ ऑनलाइन रहता है, उसे कैसे पता कर सकते हैं? क्या आपको पता है व्हाट्सएप पर लोग जो स्टेटस लगाते हैं, इस स्टेटस को हम बिना किसी एप्लीकेशन के अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं? क्या आपको पता है हम इन स्टेटस को बिना डाउनलोड किए दूसरों को कैसे शेयर कर सकते हैं? क्या आपको पता है हम व्हाट्सएप चैट विंडो को होम स्क्रीन पर कैसे ऐड कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप के 6 ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स बताए गए हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और 100% आप ये व्हाट्सएप ट्रिक्स नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप के ये सीक्रेट ट्रिक्स जान जाएंगे तो लोग आपको व्हाट्सएप के इंजीनियर बोलेंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये व्हाट्सएप ट्रिक कहाँ से सीखा। तो दोस्तों, अगर आप भी इन व्हाट्सएप ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं संपूर्ण टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ट्रिक पर हम सीखेंगे व्हाट्सएप पर लोग जो स्टेटस लगाते हैं, इस स्टेटस को हम बिना किसी एप्लीकेशन के गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं और इस स्टेटस को बिना डाउनलोड किए कैसे हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले अपने फोन में फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे। देन दोस्तों, यहाँ पर हम इंटरनल स्टोरेज पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा, हम व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों, यहाँ पर हम मीडिया पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्टेटस पर क्लिक करेंगे। स्टेटस पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप पर जितने भी लोगों ने स्टेटस लगाए होंगे यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन स्टेटस को गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर हम प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद यह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो जो स्टेटस गैलरी में सेव करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए हमें शेयर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम इन स्टेटस को जहाँ चाहे वहाँ इसे शेयर कर सकते हैं। देन दोस्तों, इन स्टेटस को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर हम मूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों, यहाँ पर हम क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक फोल्डर बना लेंगे और फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। डन पर क्लिक करते ही ये स्टेटस हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, गैलरी को ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्टेटस गैलरी में सेव हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दूसरे व्हाट्सएप ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, दूसरा व्हाट्सएप ट्रिक्स है व्हाट्सएप के चैट विंडो को होम स्क्रीन पर कैसे ऐड करें। तो दोस्तों, व्हाट्सएप चैट विंडो को होम स्क्रीन पर ऐड करने के लिए व्हाट्सएप को हम ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों, जिसके भी चैट विंडो को हमें होम स्क्रीन पर ऐड करना है उसके प्रोफाइल के सामने हम यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के बाद यह सेलेक्ट हो जाएगा। देन दोस्तों, यहाँ पे हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड चैट शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों, यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही यह होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम इसे चैट करना होगा यहाँ से हम इसे ओपन करके इससे चैट कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्हाट्सएप को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे व्हाट्सएप सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, तीसरा व्हाट्सएप सीक्रेट ट्रिक्स है किसी के फोन से कैसे पता कर सकते हैं कि वह व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा किसके साथ ऑनलाइन रहता है और सबसे ज़्यादा किसके साथ चैट करता है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। देन दोस्तों, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स में जाएंगे। आफ्टर दैट स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों, मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज स्टोरेज पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वह किसके साथ व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा चैटिंग करता है। वह जिसके साथ सबसे ज़्यादा चैटिंग करता होगा उसका नाम यहाँ पर सबसे ऊपर में शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे व्हाट्सएप सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इस ट्रिक्स में हम जानेंगे कि कैसे हम दूसरे को मैसेज को पढ़ लेंगे, उसके स्टेटस को देख लेंगे, फिर भी उसको पता नहीं चलेगा कि हमने उसके व्हाट्सएप चैट को पढ़ा है और उसके स्टेटस को देखा है। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट सेटिंग्स में जाएंगे और फिर यहाँ पर हम अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद प्राइवेसी पर जाएंगे। प्राइवेसी पर जाने के बाद यहाँ पर हमें रीड रिसीप्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑन होगा। हम इसको यहाँ से इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद क्या होगा कि हम किसी के चैट को पढ़ेंगे या व्हाट्सएप स्टेटस को देख लेंगे, फिर भी उसको पता नहीं चलेगा कि हमने उसके चैट को पढ़ा है या उसके व्हाट्सएप स्टेटस को देखा है, क्योंकि उसके मोबाइल पर ब्लूटूथ शो नहीं करेगा। दोस्तों, अगला ट्रिक है व्हाट्सएप पर हम किसी को HD फोटो कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप पर HD में फोटो को सेंड करने के लिए व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और उसके बाद चैट सेक्शन में जाएंगे जिसको हम HD फोटो भेजना है। देन दोस्तों, यहां पर हम अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर यहां पर हम डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। देन दोस्तों, यहां पर हम ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी फोटो को सेलेक्ट करेंगे। देन दोस्तों, यहाँ से हम इसे सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप व्हाट्सएप पर HD में फोटो भेज सकते हैं।
दोस्तों अगला व्हाट्सअप सेक्रेट ट्रिक्स है। व्हाट्सअप पर हम बिना कोई ग्रुप बनाए अपने मैसेज या फोटो को एक ही बार में बहुत सारे लोगों को कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम व्हाट्सअप को ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने मैसेज को जिसको जिसको भेजना चाहते हैं उन सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम ग्रीन टिक पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर हम अटैचमेंट पर जाएंगे और हमें जो कुछ भी भेजना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसे सेंड कर देंगे। सेंड करते ही यह सभी को एक साथ सेंड हो जाएगा। इस तरह से हम अपने मैसेज को एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पर बताए गए व्हाट्सअप ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये व्हाट्सअप ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।